असलम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो अभी सुबह का टाइम है और अलीना जस्ट स्कूल गई है और उसके बाद मैं सीधे बालकनी में आ गई थी क्योंकि मीशो भी सो रही है तो थोड़ा प्लांट्स का टेक केयर कर रही थी अब बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गया है यहाँ पर प्लांट के ऊपर तो मतलब हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना मतलब हवा के साथ ही सैंड आ जा रहा है पूरा बालकनी भर चुका है और सूखे भूखे पत्ते दिखे मैंने निकाल दिया है बहुत ज़्यादा पत्ते सूख गए थे और यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश हो गया प्लांट भी और साथ साथ मेरी नजर पड़ गई इसके ऊपर ये एक्चुअली शू रैक है जो अभी हम यूज़ नहीं करते तो हस्बैंड ने बोला फेंक दो मैंने बोला नहीं कुछ स्टोरेज के लिए काम आ जाएगा तो मैंने बैलकनी में रखवा दिया था और रखना भी एक झमेला है देखिए कितना गंदा हो गया है ये लास्ट वीक मैंने क्लीन किया था बट इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना कि मतलब आप दो दिन में बैल्कनी गंदा हो जाता है एक दिन अगर पोछा ना लगे ना बैल्कनी में तो पूरा गंदा गंदा हो जाता है और फिर बैल्कनी गंदा हो तो फिर घर भी गंदा हो जाता है अंदर बाहर अगर करूँ तो तो इसलिए क्लीन रखती हूँ और ये देखिए रैक है तो काफ़ी कुछ रख सकते हैं इसमें इसलिए मैंने फेंका नहीं और एक बार साफ़ करने से साफ़ नहीं हुआ फिर से मुझे साफ़ करना पड़ रहा है ये देखिए इतना ज़्यादा दस्त पड़ा है कि एक बार में क्लीन भी नहीं हो रहा है तो ये दूसरा पोछा लगा अभी क्लीन हो गया है और ये जो है ना ओवर द कोमोड शेल्फ है आप अगर मुझे मेरे पुराने घर से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने ये लगाया था बाथरूम में कोमोड के ऊपर क्योंकि वहाँ पे बाथरूम में स्टोरेज के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था तो मैंने ये लगाया था ताकि मैं टावल्स शैम्पू सोप्स हैंड वॉश ये सब रख सकूं तो काफ़ी यूजफुल रहा वहाँ पे अगर स्पेस नहीं है बाथरूम में तो ये रख के काफ़ी कुछ यूज़ अच्छे से यूज़ किया जा सकता है बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मतलब स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह है बाथरूम में तो इसलिए मैंने ना बैल्कनी में रखवा दिया इसे भी मैंने नहीं फेंका है अब मैं आ गई थी सीधा किचन में और मैं ये सब रिफ़िल कर रही थी चावल वगैरह ख़त्म हो गया था और थोड़ा चावल बचा हुआ था डब्बे में तो मैंने ग्लास में निकाल दिया पुलाव बनाऊँगी आज तो ग्लास में निकाल के मैंने रख दिया और ये रिफ़िल हो गया है और मीशो अभी तक सो रही है तो जब उठेगी तो बेड वगैरह बनाऊंगी तो बेड वेड भी नहीं बनाए अभी तो मैं सीधे किचन में आ गई थी थोड़ा तो ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के बाद नाश्ता वाश्ता बनाना है और ये वाला जो ग्लास कंटेनर है ना आ, मैं इसमें लेफ्ट ओवर जो खाना बचता है रात में इसमें डाल के रखती हूँ या फिर कभी मिल प्रेप कर रही होती हूँ कुछ बनाना होता है दोपहर में कुछ पहले से प्रिपरेशन करना होता है ना तो मैं इसमें सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ और फिर दोपहर में खाना बनाने में ईजी हो जाता है तो ये सब काम के लिए काफ़ी यूज़फुल है और ग्लास का है तो काफ़ी फ्रेश रहता है खाना तो इसे मैं इस इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा माइक्रोवेव सेव भी है सीधा खाना निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करके और ऐसे ही सर्व भी कर सकते हो मतलब एज अ सर्विंग डिश भी यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा है ये मैंने आई से लिया था और जो छोटे कंटेनर्स आप देख रहे हो ना ये तीन का सेट में आया था ओनली बारह जीरम का था शायद बहुत सस्ते में मिला था और ये ग्लास वगैरह भी जगह पे रख दूंगी और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा स्नैक होता है लाइक मैगी बिस्किट्स अलीना का जो भी है और फिर एक्स्ट्रा जो सामान मतलब डब्बे में डालने के बाद जो बच जाता है तो मैं क्लिप करके यहाँ पर रख देती हूँ लाइक सॉल्ट शुगर और भी जो भी मसाला वसाला रहता है इसमें रख देती हूँ तो चीज़ों को सेट करने के बाद किचन में मैं यहाँ पे लग गई थी नाश्ता बनाने और ये पिलर अब जो देख रहे हो ना बहुत ही यूज़फुल है बहुत आसानी से इस तरह से ना पतला पतला कैरेट वगैरह चिलने में इजी हो जाता है चाहे कैरेट हो खीरा हो सैलड बनाने में बहुत अच्छा हो जाता है और ये मुझे फ्री मिला था जिस ग्रेटर से मैं उस दिन आलू का पराठा बना रही थी मैंने आपने देखा होगा मैं ग्रेट कर रही थी उसमें मुझे ये पिलर फ्री मिला था तो बहुत ही अच्छा है और बहुत शार्प है तो एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है और साथ साथ मैंने थोड़ा कैबेज भी यहाँ पर कट कर लिया है पतला पतला इस तरह से देखिए बहुत थिनली स्लाइस कर लिया है और मैं बना रही हूँ कोरियन स्टाइल ब्रेकफास्ट आज मेरा बहुत मन कर रहा है तो मैं थोड़ा स्प्रिंग अनियन भी कट कर ले रही हूँ तो ये सारी सब्जियाँ ना अंडे में ऐड होगा ऑमलेट जैसा बना के उसके बाद डालना होता है सैंडविच में तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बट इससे पहले भी मैंने एक दो नाश्ता उनका ट्राई किया है तो काफ़ी अच्छा था काफ़ी फीलिंग भी रहता है हेल्दी भी रहता है तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार तो यहाँ पे मैं तीन अंडा ले रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ पेपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियाँ भी हम डालेंगे इसमें तो थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा ऐड करना सही रहेगा तो बस इसे मिक्स कर लेना है सॉल्ट पेपर ऐड करके और बाकी का जो सब्ज़ी है ना मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मुझे नहीं पता कितना ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर दूँ जरूरत पड़ा तो फिर ऐड कर दूँगी और नहीं जरूरत पड़ा तो ऐसे सैलेड भी हम खा सकते हैं वो सब्जियों को लंच में तो बस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें पानी छोड़ रहा है क्योंकि नमक है ना इसमें तो सब्जियों से पानी रिलीज़ हो रहा है तो पतला हो गया बैटर थोड़ा अब मैं यहाँ पर थोड़ा बटर डाल के ना और टोस्ट कर लूँगी सारे ब्रेड्स को मैं इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट सैंडविचेस ट्राई करती रहती हूँ मतलब मुझे कुछ अच्छा लग जाता है तो मैं घर पे बना के ट्राई करती हूँ अच्छा लगा तो फिर मैं अलीना को भी टिफिन में देती हूँ तो इस तरह से वैराइटीज़ ही मिलते हैं बच्चों को टिफिन बॉक्सेस में तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेड को टोस्ट कर लिया है बटर दोनों साइड लगा के तो हमारा जो ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो गया है और मैं ना ब्रेड को इस तरह से रखती हूँ क्योंकि अगर आप फ्लैट सर्फेस पे रखोगे ना ब्रेड को तो वो गीला हो जाता है सॉगी हो जाता है तो इस तरह से ये अच्छा रहता है क्रिस्पी रहता है रोटी के साथ भी ऐसा ही है ना रोटी फर्स्ट रोटी आप बनाते हो बिना टिशू पेपर के रखोगे ना तो वो भी सॉफ्ट हो जाता है देखा होगा आपने मतलब गीला हो जाता है और मैं यहाँ पे ये ऑमलेट बना रही थी ये कैबेज और कैरेट वाला ऑमलेट फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ नहीं तो हम इंडियंस तो टमाटर प्याज वाला खाते हैं ना बट ये मुझे काफ़ी हेल्दी लग रहा है और फर्स्ट वाला जो ऑमलेट है थोड़ा पतला हो गया ऐसा लग रहा है मुझे सेकेंड वाला मैं थोड़ा मोटा बनाऊँगी बट काफ़ी मतलब प्रटी लग रहा है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कलरफुल लग रहा है और सेकेंड वाला देखिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा बना लिया है और इस तरह से कलरफुल लगे ना तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और विजुअली अच्छा लगे तभी बच्चे खाते हैं यही है बच्चों का प्रॉब्लम जो चीज़ दिखने में अच्छा लगेगा वही चीज़ वो खाना चाहते हैं तो यहाँ पे ना मैं सैंडविच का शेप दे दे रही हूँ ऑमलेट को ताकि दिखने में अच्छा लगे थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे और आप लोगों को भी दिखाना है तो घर में अगर खाती तो मैं ऐसे ही मतलब मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ती और ये वाला अंडा ना पतला हो गया तो मैं डबल करके कट कर रही हूँ और एक ही सैंडविच में ऐड कर दूँगी दोनों को आसानी से शेप बन जाता है बस चार कोना निकाल देना इस तरह से कट करके और ब्रेड को सेट कर लेंगे बस और चीज़ वगैरह ऐड करेंगे तो काफ़ी हेल्दी है बच्चों के लिए और एक ऑमलेट रख दिया मैंने यहाँ पे और साथ में चीज़ ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सब्जी सब्ज़ी ऑप्शनल ऑप्शनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड करो नहीं तो स्किप करो मुझे दोनों ही सब्जी बहुत पसंद है तो मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मेनेस और थोड़ा सा केचप डाल के इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे आप चाहो तो थोड़ा सा हनी या फिर मस्टर्ड भी खाते हैं कोरियन स्टाइल ब्रेकफास्ट में तो ये कोरियन स्टाइल ब्रेकफास्ट है इसलिए बट मैंने मेो और के, केचप ऐड कर दिया है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं सेकेंड टाइम हनी और मस्टर्ड डाल के देखते हैं कैसा बनेगा और मिडिल का ब्रेड ना थोड़ा ये हो गया है जल गया है तो मैं छूरी नाइफ की मदद से ना थोड़ा सा निकाल दूंगी जो थोड़ा जला हुआ पार्ट है और इसे कट कर लेंगे और देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा सैंडविच और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है कितना कलरफुल लग रहा है बहुत ही यमी लग रहा है और सच में बहुत अच्छा बना भी था और अगर आप ऐसा नहीं खाना चाह रहे हो ना तो ऑमलेट बना के पराठे के साथ भी खा सकते हो दोनों दोनों दो तरफ से ये हेल्दी है ये और बीचों बीच एक्चुअली कट करते कोरियन स्टाइल में बट मैंने ट्रायंगल कट किया पहले और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही हेल्दी है मतलब सब कुछ है इसमें प्रोटीन है अंडा डाला है तो प्रोटीन है चीज डाला है तो कैल्शियम है और वेजिटेबल्स में विटामिन मिनरल्स मतलब फुल पैक्ड एक सैंडविच है ना सब कुछ है इसमें सारे न्यूट्रिशन इस एक सैंडविच में मिल जाएंगे बच्चे को और काफी हेल्दी है तो अब तो मैं अरीना को दिया करूंगी ये वाला टिफिन में और टेस्टी भी बहुत बना था तो मस्ट ट्राई रेसिपी है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हस्बैंड को भी अच्छा लगा और हम साथ में आज ले रहे हैं जूस क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप नाश्ता करने के बाद चाय मत पिया करो एक्चुअली सही बात है जूस पीने से क्या होता है ना बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स है स्पेशली आयन ना आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में तो आयन को एब्ज़ॉर्ब करवाने के लिए आप अगर विटामिन सी कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो या जूस पी रहे हो तो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हम लेते हैं बट उसका एबजॉर्ब्शन होना ही बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है बट हम इंडियंस हैं ना तो चाय पीने की आदत है नाश्ते के साथ तो आज मैंने चलो सोचा चलो अब जूस है तो जूस पी लेते हैं होम जूस है और उतने में

तो मीशो को पकड़ा दिया मैंने उसके पापा को उसका पापा का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आज थोड़ा लेट से काम है उनको और मैं आ गई थी बेडरूम में थोड़ा बेड बेडरूम अरेंज कर दूंगी और आज मीशो से पहले हमने नाश्ता कर लिया है नहीं तो मीशो पहले खाती है आज थोड़ा लेट तक सोई वो और सारा सामान लाइक मीशो के सॉक्स रबर बैंड्स और स्पेशली घर में बेटियाँ हैं ना तो हर जगह पर आपको डॉल्स टॉयज़ ज़्यादातर मतलब इतने सारे खिलौने होते हैं छोटे छोटे कपड़े वपड़े सब अरेंज करने पड़ते हैं और वैसे बेड तो ठीक था लेकिन फिर भी वो थोड़ा सो के उठने के बाद सिलवट पड़ जाता है ना बेड पर तो मुझे अच्छा नहीं तो मैं इस तरह से खींच के उसे टक कर देती हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश लगे और फिर से मैंने वो कम्फ़र्टर जो लास्ट टाइम धोया था मैंने फिर से वॉश किया है क्योंकि मैं टू वीक्स में ऐसा मैं वॉश कर देती हूँ क्योंकि उसके ऊपर कोई मतलब कवर नहीं रहता है वो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे ही रहता है तो इसलिए मैं उसे वॉश कर देती हूँ और देखते ही देखते हमारा ये बेड भी सेट हो गया है और ये कुछ कपड़े हैं मीशू के जो इस तरह से क्लिप करके रखना पड़ता है छोटे छोटे कपड़े नहीं तो पूरा जिस तरह से हवा चल रहा है ना एक भी कपड़ा नहीं रहेगा सारा उड़ जाएगा बालकनी से बाहर और एक दो कपड़े मेरे खुद उड़ गए <laughs> मेरा मतलब एक कुर्ता उड़ गया था नीचे बालकनी के नीचे पड़ा हुआ था बाद में मिल गया और ये आई ये ना मैंने आइकिया से लिया था ये काफ़ी अच्छा है इससे पहले जो मेरे पास था ना वो फोल्ड नहीं होता था ये काफ़ी अच्छा फोल्डेबल है और इसका क्लिप्स भी बहुत अच्छा है तो मैं के ऑब्जर्सड हूँ मेरे घर में आपको एटी परसेंट चीज़ आई का ही मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा है एक तरफ साइड में रख दो कहीं पे भी टक करके और ये छोटे छोटे कपड़े मैं साथ साथ मीशो का फोल्ड कर देती हूँ नहीं तो बड़े कपड़े के साथ मिक्स हो जाए ना फिर मिलता नहीं ये चीज़ और मतलब कपड़े इसके स्पेशली मोजे वगैरह जो है और काफ़ी छोटे छोटे कपड़े तो साथ साथ फोल्ड कर देना ही बेटर होता है और यहाँ पे जो है ना ड्रेसर के पास जो ड्रॉर है वहीं पे मैं सारा सामान रखती हूँ मीशो का सॉक्स अब मेरा स्क्रंचज़ आपको यहाँ पे मेरा क्लिप्स वगैरह भी दिखेगा तो यहाँ पे सब रख देती हूँ और मीशो का रवा बैंड ये सब हेयर बैंड ये सब ताकि ऑर्गनाइज एक ही जगह रहे नहीं तो मिलता नहीं है छोटा छोटा सामान ज़रूरत पड़ने पर और मीशो के कपड़े साथ साथ मैं यहाँ पर ड्रॉर पर रख दूँगी और मीशो के जो पार्टी ड्रेसेज होते हैं ना मैं अलीना के वार्डरूम में रखती हूँ और जो रेगुलर वेयर के होते हैं मैं यहाँ पर रखती हूँ तो ये काम भी निपट गया है और अलीना रात में बैठ के ना कुछ डी कर रही थी पता नहीं कुछ तो कर रही थी आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर सारा सामान रख कर गई है ऐसे ही और मेरा एक वास टूट गया यहाँ पर वास था राउंड सा लगता है लैपटॉप लग के ना टूट गया होगा आ, तो और ये देखिए जो वैलेंटाइंस डे के दिन हस्बैंड लेकर आए थे फ्लावर अभी तक इतना फ्रेश है दो दिन के बाद मैंने जस्ट पानी चेंज किया था इसका और देखिए लग रहा है अभी आया है इतना इतना फ्रेश है और मैंने इसे ना वास टूट गया था तो मैंने ये टिश्यू होल्डर है उसमें डाल के रख दिया है वो फ्लावर आर्टिफिशियल प्लांट जो है बच्चों के घर में ना दूध के बॉटल वाला वास ही ठीक है जो मैंने लगाया है मिडल में और कुछ रख नहीं सकते एक एक करके सारा सामान टूट रहा है घर का इसी भी सामने रख देती हूँ इतना बुरा भी नहीं लग रहा है टिश्यू पेपर होल्डर में वो अलग बात है अब लंच का टाइम हो रहा था तो मैं किचन में आ गई थी और मैं गरम मसाला ना खड़े गरम मसाला सब मिक्स करके इसमें रखती हूँ तो निकालना इजी हो जाता है सब कुछ डालना होता है जैसे लौंग इलायची दालचीनी और कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले से कर लिया है देखिए ये चॉपिंग वगैरह करके रखा है मैंने तो आज मैं कोलकाता स्टाइल वेज पुलाव बनाऊँगी वाइट वेज पुलाव तो यहाँ पर मैंने एक गिलास चावल ले लिया है बासमती चावल और इसी गिलास से पानी ऐड करना है और तो मैं चावल थोड़ा धो लूँगी यहाँ पर और इसके साथ बनाऊंगी चिकन सूखा मैंगलोर स्टाइल का मतलब हस्बैंड मैंगल्लोर से है तो उनका एक डिश बन रहा है और मैं कोलकाता से हूँ तो मैं अपना एक डिश बना रही हूँ तो दोनों कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसा बनता है मैंने फर्स्ट मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ऐसा कॉम्बिनेशन का खाना तो होप अच्छा ही बनेगा क्योंकि दोनों ही अच्छा बनता है दोनों ही अच्छा लगता है खाने में पुलाव और सूखा तो यहाँ पर चावल मैंने धो लिया है थोड़ी देर भिगो दूंगी और तब तक हम ना ये वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और कोलकाता स्टाइल में ना ये जो वाइट पुलाव का जो वेजिटेबल्स होता है पहले से फ्राई करके मतलब गला के पूरा उसको निकाल लेते हैं टेस्ट अच्छा आता है उससे तो मैंने यहां पे थोड़ा सा कैरेट और बीन्स और कॉलीफ्लावर ऐड कर दिया है और ग्रीन पीस बाद में ऐड करूंगी क्योंकि फ्रोजन है वो और इसमें नमक ऐड कर दीजिए आप मैं दिखाना भूल गई आपको तो अच्छा से गल भी जाता है जल्दी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो हमें फुली कुक कर लेना ये देखिए कितने अच्छे से गल गया और पैचेज आ गए तो इस तरह से ना करारा फ्राई कर लेने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है वेजिटेबल्स का उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और साथ साथ काजू और किशमिश भी फ्राई करना था बट किशमिश मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ वरिनी तो बंगाली वाइट पुलाव में किशमिश तो ऐड होता ही होता है और साथ साथ मैंने ऐड कर दिया है लौंग इलायची दालचीनी और जावेत्री यानी मेस और थोड़ा सा अनियन छोटा साइज का एक अनियन है उसे हल्का सा सॉफ़्ट कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे जिन्जे गार्लिक पेस्ट और साथ साथ चिली पेस्ट भी ऐड होता है बट मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि सूखा थोड़ा स्पाइसी बनेगा चिकन सूखा तो चावल मैं माइल्ड रख रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और चावल थोड़ा गिर गया मैं कैमरा का एंगल देख रही थी सही है या नहीं इसमें इतने में चावल थोड़ा बाहर आ गया कोई बात नहीं तो बस इसे थोड़ा सा ना हम चला लेंगे चावल को दो तीन मिनट भून लेंगे तो इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो दो तीन मिनट दो तीन मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक ग्लास पानी जितना मैंने चावल लिया था उतना ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ नमक अब बस इसे मिक्स करके हम बस एक विसल आने तक पका लेंगे और ये जो मैंने स्प्रिंग अनियन अभी यूज़ किया ना थोड़ा सा मैंने रूट इस तरह से डुबो दिया पानी में इस तरह से मैं करती हूँ अगर स्प्रिंग अनियन आता है ना तो रख देती हूँ इसके ऊपर से ग्रीन फिर से वो जो ग्रीन पार्ट है ना फिर से आ जाता है तो फिर से यूज़ कर सकते हैं और देखते ही देखते हमारा एक विसिल लग गया है तो बस अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और कुकर को साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम चढ़ा देंगे अपना सूखा और अभी तो हम बहुत कम खाने लगे बाहर का खाना नहीं तो जब शादी जब नई नई शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते थे हम लोग बट अभी बच्चे होने के बाद मतलब हम सोचते हैं कि अगर हम बाहर से मंगा, मंगाएंगे खाना तो बच्चे को भी वही खाना खाना पड़ेगा तो अनहेल्दी होता है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घर में ही बनाऊँ भले वो दाल चावल ही हो खिचड़ी हो या कुछ भी हो सिंपल सा भी खाना चल जाता है तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था और हल्का सा अनियन डाल दिया था एक बड़े साइज़ का चॉप करके हल्दी डाल दिया थोड़ा सा और बस चिकन को ना इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम में ऐसा भून लेंगे और साथ साथ ऐड कर देंगे नमक और टमाटर एक्चुअली इसमें इमली का पल्प यूज़ होता है बट मेरे पास इमली का पल्प नहीं है तो मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और बस ढक के से हम थोड़ा बॉईल कर लेंगे पका लेंगे चिकन को और तब तक, तक एक साइड में हम पैन रख के ना कोकोनट को थोड़ा सा फ्राई रोस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हल्का सा मैंने घी ऐड कर दिया है और हल्का सा अनियन और साथ साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे फ्लेवर के लिए और ये वाला देखिए कोकोनट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें मतलब सूखा है तो कोकोनट बहुत यूज़ होता है तो ये पूरा मैं डाल दूँगी इसमें बट ये फ्रिज में था ना तो इस तरह से जमा हुआ है तो तोड़ दूँगी तो जल्दी से हो जाएगा सॉफ्ट तो ये हमारा वहाँ पे मैं चिकन भी देख रही थी तो चिकन तो कुक हो गया है और ये भी हमारा डन हो गया है और कितना पानी रिलीज़ हुआ जबकि मैंने ज़रा भी पानी यूज़ नहीं किया है तो पानी को थोड़ा ड्राई कर लेंगे और ये जो ग्रेवी आप देख रहे हो बस प्याज टमाटर का है अभी तक सूखा मसाला यूज़ नहीं हुआ है इसमें अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा मसाला जो मैं इंडिया से लेकर आई थी ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर दिया है तो ये ड्राई रोस्ट होता है मसाला मतलब सारे खड़े मसाले को ना ड्राई रोस्ट करने के बाद पीसा जाता है तो इसमें बैरेगी मिर्ची है धनिया धनिया है और जीरा है और क्या बोलते हैं सौफ़ और हल्का सा मेथी ये सब मिक्स करके ना बनता है ये वाला मसाला तो मम्मी ने बना कर दिया है तो मैंने दो तीन चम्मच ऐड कर दिया है और ये मिर्ची ज़्यादा तो तीखा नहीं होता है ऐसा दिखने में लग रहा होगा मैंने बहुत सारा चिली ऐड कर दिया है बट इसमें बस फ्लेवर होता है तीखा इतना नहीं होता है और बस इसमें थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक्चुअली गार्लिक के साथ मम्मी ने बोला था थोड़ा सा मसाला में पानी डाल के ना गार्लिक डाल के मिक्सी में घुमा लेने के लिए बट मीशो उठ जाएगी ये सोचकर मैंने मिक्सी ऑन नहीं किया बट मैंने हल्का सा गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है इसमें और बस कोकोनट डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ड्राई लग रहा है थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं तो पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है अभी और बस मिक्स करके और ये हमारा चिकन सूखा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चिकन का और यहाँ पर हमारा जो कुकर का वो स्टीम भी निकल गया है तो मैंने एक ढक्कन खोल दिया और ये देखिए इसका राइस कितना फ्लफी बना है और कितना खिला खिला है बस एक विसल लगाना है और साइड में रख देना है ये अपने आप ही बन जाता है तो बस जो हमारा जो फ्राइड वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बट बहुत आराम से मिक्स करना है वो राइस टूट सकता है तो इसमें बस मैंने मिक्स कर दिया है और ये हमारा वाइट फ्लाव रेडी हो गया है और साथ साथ मैं सैलड भी रेडी कर रही हूँ जो सब्ज़ी बच गया था ना उस नाश्ते में बनाकर उसी में खीरा मैं डाल दे रही हूँ सेम जैसे मैंने काटा है कैरेट वैसे ही उसमें पील कर लूँगी इस तरह से तो दिखने में भी अच्छा लगता है धागा धागा जैसा रहता है तो बहुत तो अच्छा लगता है देखने में खाने में भी मज़ा आता है और ये पल्प है ना पल्प नहीं काट सकती इससे अच्छा नहीं लगेगा पानी पानी हो जाएगा तो इसे जस्ट काट के हम डेकोरेट कर लेंगे थोड़ा और ये देखिए कैसा है पूरा धागा जैसा तो जो पल्प बचता है ना मैं इस तरह से डेकोरेट कर लेती हूँ क्यों वेस्ट करना खाने को तो बस थोड़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा लेमन का स्लाइसेस मैंने काट दिए उसे भी डेकोरेट कर लेंगे और मेरे पास है थोड़ा सा ऑलिव्स ये ये सीडलेस ऑलिव्स है तो इसमें मतलब थोड़ा सा डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा पिकल टाइप का है ये तो बस हमारा सैलेड रेडी हो गया है और साथ साथ इसे क्लीन करते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं और ये देखिए हमारा राइस देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल लग रहा है बच्चे को भी पसंद आता है मतलब ऐसा कलरफुल रहे ना तो बच्चे भी खा लेते हैं और सैलेड भी बहुत मस्त लग रहा है और सूखा तो बहुत ही ज़्यादा यम बना था बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और साथ साथ थोड़ा दही ऐड कर देंगे और जबरदस्त हमारा लंच रेडी हो गया है और बहुत सिंपल सा लंच था देखा ना आपने बहुत सिंपल सा था बहुत क्विक बन गया अलीना जा रही है बर्थडे पार्टी में हाँ, हाँ? मेरी फ्रेंड बर्थडे पार्टी में जा, जा रही है ये कपड़े दिखाओ तो ड्रेस कैसा है सुनो मामा हां ये अपने ने पहना है ये ड्रेस घूम जाओ ओ वाओ और ये फ्रिज का सारा सामान मैंने बाहर निकाल कर रख दिया मैंने बताया था ना फ्रिज खराब हो गया है काम नहीं कर रहा है तो भी टेक्नीशियन को बुलाया हमने वो भी आ जाएंगे तो इसलिए सारा सामान बाहर है और देखिए ये लोग आ गए और फ्रिज चेक कर रहे सुबह से परेशान थी मैं फ्रिज काम नहीं कर रहा था तो सुबह से मैं इतना टेंशन में थी मतलब फ्रिज खाना वाना भी रहता है और बहुत सारा सामान अंदर में था तो टेंशन हो रहा था खराब ना हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो सामान था ना मैंने ऊपर वाले मतलब फ्रीजर में डाल दिया था फ्रीजर वो काम कर रहा था लेकिन नीचे वाला जो है ना वो काम नहीं कर रहा था तो ये प्रॉब्लम हो गया था तो फाइनली बन गया है फ्रिज और अभी फ्रिज तो मतलब ज़रूरत बन गया पहले तो हर घर में नहीं हुआ करता था अभी मतलब नहीं है नहीं होता है तो काम ही नहीं चल सकता ऐसा हो जाता है टेंशन हो जाता है सामान वामान सब खराब हो जाएगा जो भी है तो खैर ठीक हो गया है और अलीना गई है बर्थडे पार्टी पे तो थोड़ा देर में आ जाएगी वो और कल मीशो का वैक्सीन है वन ईयर का तो कल जाना है वैक्सीनेशन के लिए तो मैं बच्चों को जल्दी खिला पिला के सुला दूंगी ताकि सुबह सुबह अपॉइंटमेंट है हमारा ताकि सुबह टाइम से उठ पाए और अलीना का तो कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो उसको ड्रॉप करने के बाद स्कूल में ना मतलब वो स्कूल में रहेगी हम मी को लेकर चले जाएँगे वैक्सीनेशन के लिए तो बस वही सब जा रही थी अभी अलीना आ जाएगी खाना वाना खिलाकर सुला देंगे उसके बाद फिर फिर ठीक है चलिए आज का ब्लॉग फिर यहाँ पेंट करती हूँ फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में तो अपना ख्याल रखिए और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में है मिलते हैं बाय टेक केयर ला हाफिज़